बहुत ही आदरणीय आज के इस सभा के अध्यक्ष सूबेदार बलबीर सिंह अपने पूरे जींद जिले से कोने कोने से आए किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, मैं तो आप लोगों के दर्शन करने के लिए आया हूँ। इस हरियाणा प्रदेश चाहे कोई भी आंदोलन हो, मैं तो सुना देखा माया भी हूं पहले भी। जब जब समाज के ऊपर, जब जब प्रदेश के ऊपर किसी भी प्रकार का परिवर्तन या किसी जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मादा सबसे ज्यादा मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं हो जिंद के भाई आप लोगों के अंदर, इसलिए आपकी सरकार को शुरू करने के लिए आया। मैं निर्दलीय विधायक सांगवाड़ खाप का प्रधान, राजनीति से हटके मेरे को भाइयों ने तमाम पार्टियों में हटके जताया, तो मेरा भी कर्तव्य बढ़ता था कि मैं भाइयों के साथ तन से मन से धन से भाइयों के साथ दूसरे भाइयों को भी कहता हूँ राजनीति वाले तो भाई, जिस दिन ये मंत्री बना जाएगा उस दिन ये ड्राइवर और बॉडी गार्ड रोड पे छोड़ के जाएंगे, उधर सारा भी मिलेगा तो इन भाइयों को मिलेगा और लास्ट में 5 लाखड़ी देने हैं तो भाइयों से मिल लेंगे। लेकिन हर बार इस जनता के साथ जींद के भाइयों के साथ चाहे कोई भी हो, किसी ने भी राजनीति करी, आप लोगों ने बहुत से आदमियों को कुर्सी दी। इस हरियाणा प्रदेश को हर बार मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया, लेकिन मुझे ये कहने भी संकोच नहीं कि हर बार धोखा आप लोगों को दिया। आपकी मेहनत, आपकी ताकत का भी शुद्ध मिला और उसी के रूप में सरकार अब काम कर रही है। भाई 2 मिनट छोड़ के बैठ के आराम से, अभी भी सरकार की जो नंगा टक रही है ये उत्तर भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान का इलाका, कुछ जेएंड का और कुछ हिमाचल का इलाका, इसके अंदर 3 तरह का हमारा समाज है। एक तो निम्न वर्ग है, एक मध्यम वर्ग है जो हम यहाँ बैठे हैं, और एक है धनाढ्य वर्ग, तो पैसे वाले को ये नहीं पता पैसा कितना है। बाकी आप देश के अंदर नीचे जाएंगे, कोई भाई फौजी नौकरी करता हो, दूसरे भाई व्यापार में जाते होंगे, वहां 2 ही वर्ग है। एक तो निम्न वर्ग है जो शाम तक मजदूरी करके अपना पेट भरता है, एक वो है धनाढ्य वर्ग जिसके पास ये नहीं पता लाखों करोड़ कितना है। ये जो अपना उत्तर भारत है इसमें 3 वर्ग है, तो हम बैठे हैं या डेली दिहाड़ी करने वाले आदमी भी हैं जो शाम तक मजदूरी करके पेट पालते हैं, बच्चे पालते हैं, एक हम हैं जो मध्यम वर्ग है जिसके 5-10 किले जमीन भी है, जिसका 1-2 बच्चा पुलिस में, 1-2 बच्चा आर्मी में, कोई पटवारी, कोई चपरासी, कोई चौकीदार की नौकरी करता है, तो उसके 2 आना की इनकम खेती की और 2 आना की पैदा की नौकरी हो जाता है, वो अपने डीसी की तरफ अपने बच्चों को पाल रहे हैं। आज हमारे बच्चे विदेशों में भी जा रहे हैं, किसान के बच्चे पढ़ लिखे अधिकारी भी बन रहे हैं, यह बात सरकार के समझ में नहीं आ रही। ये चाहते हैं कि यहाँ भी जो 6 महीने से लगातार आप जो आंदोलन चला रहे हैं, ये इस मध्यम वर्ग की ताकत है, जो 6 महीने के बाद भी आज आप यहाँ बैठे बड़े हल्की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पश्चिम उत्तर प्रदेश में नीचे जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वहां का किसान 24 घंटा आंदोलन नहीं कर सकता। आप 6 महीने से बैठे, आपकी ताकत है कि मध्यम वर्ग मजबूत है, और सरकार की ये 3 कानून लाने का कारण भी यही है कि जो मध्यम वर्ग इसको खत्म करना चाहते। मेरी भाइयों से प्रार्थना है, ये जो ताकत भगवान ने हमारे को दिया, इसका सदुपयोग जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे को दिया, हमारा भी कर्तव्य बनता है इस ताकत को बरकरार रखना। और सरकार हर बार जितने भी आंदोलन है इस मध्यम वर्ग को खत्म करने का काम करती है। 2016 का भी आंदोलन देखा, लेकिन हर बार हमारे को धोखा मिला कुछ नहीं। मैं एक भाइयों से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि कम से कम एक तो गांठ लगा लो पल्ले, हम 36 बरादरी के सब भाई, जितने बीजेपी की सरकार है इनके पास कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई विकास नहीं, एक ही है जिस प्रकार अंग्रेज हमारे समाज के अंदर फूट डालते थे, ये हर स्टेट के अंदर इसी तरह फूट डाल के अपना उल्लू सीधा करते थे।
मजबूत हजार का उसको दरखास्त लड़ा देते हैं। अगर आप गुजरात में जाएंगे तो पटेल को लड़ा देंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठा को लड़ा देंगे। ये गरीब और अमीर की जो खाई है बीच में, जो इसको फाड़ने के जो काम करते हैं, ये लड़ाई करवा के अपना उन लोगों से जा करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ पिछले छह साल से हरियाणा प्रदेश सरकार विकास नाम की एक ईंट आप ईमानदारी से बताओ कहाँ लगी। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री छोड़ के गए, उस टाइम प्रदेश का कर्जा था 69,000 करोड़, और आज आपको पता है कितना? 2,43,000 करोड़ रुपए सेशन के बाद था। ये कोरोना के कारण वोट 3 के ऊपर चला जाएगा। हर बच्चे का हरियाणा में पैदा होने वाले के 1,00,000 जन्म लेते ही कर्जा हो गया। प्रदेश के अंदर विकास नाम की कोई चीज नहीं। तो आज से ये प्रेरणा ले लो, कसम खा लो कि कोई जाति पाति नहीं, हम सब भाई हैं, छत्तीस बिरादरी के भाई हैं। अगर अपने घर में मिठाई है तो देखो पड़ोसी के तवा चढ़ा के नहीं, उसका भी चेड़े खाएगा, उसको भी साथ लेकर चल। ये भगवान ने तन मन ये धन दिया है, इसका समाज के हित में इस बुराई को छोड़ के भलाई में लगे। कोठी होना, बड़ा पद हासिल करना, धन होना कोई बड़ी बात नहीं मेरे बुजुर्गो भाई। इंसानियत बड़ी बात है होना, और इंसानियत वो है किसी दूसरे का काम है, किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी पिलाए, किसी बेसहारा को सहारा दे, किसी गरीब बहन बेटी को इज्जत बताइए, माता तो हमारा धर्म है। लेकिन सारा सौदा बिगाड़ दिया सरकार ने, नीचे से लेके ऊपर तक। जिन लोगों के हाथ में कमाई रहनी चाहिए थी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने कुर्बानी दी, उनके हाथ में कमाई रहनी चाहिए थी, वो तो चले गए बेचारे फांसी ढूंढ के, या किसी को काला पानी हो गया, या बीमारी के कारण चले गए। और जिनके हाथ में देश आजाद होने के बाद जिनके हाथ में कमाई आई, वो वही राज घराने 550-700 जो बड़े रियासतों के जो मालिक थे वो, या पैसे वाले आदमी आगे आगे जिसके दिल में दया नहीं, गरीब की तकलीफ को नहीं सुनेगा। कबीर जी ने भी कहा है कि दया दल में राखे जब तक घट में प्राण, इनके दया नहीं है। क्यों? इन्होंने भाइयों की नाल काट के दौलत इकट्ठी करी, भाइयों के ऊपर जुलम करे, उनके हाथ में कमांड आ गई, इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक सारा सौदा बिगड़ गया। सब पैसे भी दूर भाग लिए, और हमारे समाज ने भी गलती कर दी, पैसे वाले को बड़ा मान लिया, इज्जतदार आदमी की इज्जत करनी छोड़ दी। और वही आदमी आगे आगे हम अपने बच्चों को भी कहते हैं बेटा आपका पैकेज क्या है, और कोई बात नहीं सिखाते, संस्कार नहीं सिखाते। इसलिए वो संस्कार, वो तालीम जरूर हमारी तो संस्कृति थी। हमारी गांव की बेटी कहीं दूर 150 कोस मिलती थी तो महसूस करते थे कि हमारी बहन है, उसको 100 रुपए देके सुकून महसूस करते थे। आज बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए मेरी पंचायत भाइयों से, मैं तो पिछले 30 साल से 1990 से लगातार इन पंचायतों में मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिला है। इसलिए समाज की बुराई को भी रोकना हमारा धर्म है। जो नौजवान रास्ता भटक रहे उनका मुख्य धारा में भी लाना, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, चाहे वो खेला जाओ बच्चों को पढ़ाओ। इस सरकार ने सारा सौदा चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, रोजगार को खत्म कर रहे हैं। अगर आप पिछले देखेंगे, जब से मोदी जी की सरकार आई है, CGL के बच्चे जो कंपटीशन में इंस्पेक्टर इनकम टैक्स में, जो दूसरे इंस्पेक्टर जो सिविल सर्विस में जाते थे, 20,000 वैकेंसी सालाना होती थी, आज 6,000 कर दी पूरे साल की। और पिछले दिन से जो बच्चे बैठे होंगे CGL की कोई भर्ती नहीं हो रही, जो सारी बेरोजगारी, करोड़ों बच्चे बेरोजगार, जो पढ़े लिखे बच्चे वो भी मजदूर से कम तनख्वाह लेते हैं। मैं MLA होने के नाते मेरे पास बहुत से भाई आते हैं, भाई हमारे बच्चे को DC रेट पे लगवा दे, इसी रेट का मतलब 5,000 रुपए, 5,000 रुपए का सीट भी नहीं पेश कर दिया एक महीने के अंदर, वो बच्चे बर्बाद ही कागज। हमारे बच्चे मजदूर की भीख की तरह मांगते हैं। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, सरकार की जो मंशा है इसको पूरा नहीं होने देना, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, जो 6 महीने से लगातार जो आंदोलन चल रहा है और जो हमारे भाई नेतृत्व कर रहे हैं, दुनिया का इससे बड़ा आंदोलन, इससे लंबा आंदोलन और इससे शांति प्रिय आंदोलन मैंने तो कोई देखा नहीं 55 साल की उम्र होगी। मैं भाइयों से प्रार्थना है, शांति अमन चैन के साथ, गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है, आवेश में आके नहीं। ये सरकार चाहती है कि तूफान आए, और हमारे समाज में, हरियाणा प्रदेश में, हमारे DNA में है, ये खून में है कि यहाँ शांति नाम की चीज है नहीं। किसी बॉर्डर पर अंग्रेज भी लड़ाई लड़ते थे, उस टाइम यहीं से उठा उठा के हमारे बुजुर्गों को ले जाते हैं, करने करने का जो काम करती है। मेरे भाइयों से प्रार्थना है, दोबारा भी प्रार्थना है, नहीं तो आवेश माना, नहीं झगड़ा करना, शांति से अमन चैन के साथ 24 तारीख का भी आपका प्रदर्शन है। मैं भी खुद हमारे भाइयों को बताना चाहता हूँ, तमाम भाइयों से प्रार्थना, सब माता बहनों से भी प्रार्थना।
रखना है, सब पूछे लेकिन अमन चैन के साथ शांति के साथ। मौका मत दें दुनिया को यह दिखा दे कि वाकई में किसान की परेशानी है। और वो दुनिया तक ये बात आप लोगों ने पूछा भी थी, इस मोदी जी के योग साधना तपस्या से राज्यों में हमें भी उम्मीद थी, हमने भी सब लोगों ने वोट दिया था। हरियाणा पूरे 10 के 10 एमपी जीत के भेजे, वो इसलिए भेजे थे कि ये गरीब घर में पैदा है, गरीब की तकलीफ को जानता है, गरीब की तकलीफ को मिटेगा। लेकिन जो ही जो धर्म आया, इस कंपनियों के आवेश में आके कंपनियों ने ऊपर जाल घेर के अपना उर्वर सीधा करने के लिए इसको अपने संस्कार से रास्ता हटा दिया और कुछ सदबुद्धि छोड़ देती है। जिस प्रकार लोहे का जंग लगता है, अगर जो लोहे का जंग नहीं लगता तो इतना मजबूत होता कभी खत्म नहीं होता। और इंसान के अंदर अगर घमंड नहीं होता तो इंसान भी कभी खत्म नहीं होता। इसलिए मोदी जी को हमने दोबारा ताकत दी और वो घमंड पैदा होगा, इसलिए उस घमंड को खत्म करने का भगवान को भी अधिकार है, वो जनता को दिया है। 20% तो इस सरकार का और मोदी जी का जो घमंड था उसका गरूर का खत्म करने काम करा है। किसान भाइयों ने पूरी दुनिया के अंदर लग रहा है आज, ये पूरी दुनिया के अंदर। और 60% इस कोरोना ने किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, न कोई डॉक्टर, न कोई वेंटिलेटर, न ऑक्सीजन, न एनसीसीआर का डॉक्टर, न फिजिशियन का डॉक्टर। मेरे खुद कोरोना आया, मेरे बच्चों का भी कोरोना आया। मैं भाइयों से प्रार्थना करूं तो भगवान करे किसी को होए नहीं गा, क्योंकि ये सारे भगवान के भक्त बैठे हैं, इनके साथ और सरकार से भी नहीं एक ताकत है जो इनके साथ है। इसलिए अगर किसी भाई का हो भी जा, कुछ नहीं, गर्म पानी नींबू 2-3 टाइम, गर्म पानी का नमक का गरारा और भाप और एंटीबायोटिक गोली घर ही बैठ ले लो, वहाँ हॉस्पिटल ज़्यादा सुविधा है। और दूसरी बात है, इतनी खुले के अंदर, इतने तापमान के अंदर, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर आप जब यहाँ बैठे हैं, कोरोना का भी जल की मर्जा तारा जो को नहीं आओ क्यों चलते हैं। 8% कोरोना ने और 20% बंगाल के अंदर जो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ममता दीदी, और उसने जिता के उस हमारी बहन ने जो इतिहास लिख दिया, जहां से चला था वहां से नीचे लेके टेक दिया। अहंकार खत्म होता है, योग साधना तो कुछ ऐसे राजयोग बनता है, और राजयोग के वैसे आदमी खोटा करता है, खोटा करके वही चले जाता है तो आज शुरुआत हुई है। इसलिए मैं अपने तमाम जिंदगी के भाई बहनों को सलूट करता हूँ, फिर दोबारा भी भाइयों के बीच में आऊंगा। पिछले 6 महीने से लगातार चाहे विधानसभा हो, मुझे 100 बार हर टोल पर जाने का मौका मिला है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं पहले भी आना चाहिए था, लेकिन आज मेरा दिल माना कि मैं भाइयों के जरूर दर्शन करूंगा। कल ही कहते थे भाइयों, इसलिए 2-3 नारे इतनी आवाज बुलंद करके कि जो दूसरे भाई टोल पर बैठे हैं, दासा बॉर्डर, साझा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, कितलाना टोल, जितने भी टोल पर बैठे हैं, उन तक अपनी आवाज, जिंद की आवाज, आपके पास वो ताकत है, आपकी जो जोश है वो ऑक्सीजन मिलेगी। 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना, आपकी आवाज वहां तक बुलंद हो। मैं पुणे भाइयों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और सलूट करता हूँ पूरे इस जिंद की धरती को। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, बार बार धोखा मत खाना। एक बार धोखा खा जाए किसी पर भरोसा कर लेते हैं। हम 20 किलो दूध की भैंस लाते हैं, 5 लाख की भैंस लाते हैं, उसे पूछते हैं माँ का दूध कितना था, उस माँ का दूध से उसका क्या संबंध है, कि ये सोचते हैं कि माँ का दूध ठीक था, ठीक दूध देगी, उसकी बैकग्राउंड पीछा करते हैं जमींदार आदमी। लेकिन इस राजनीति के अंदर जो लोग आते हैं, जो आप लोगों को बरगला देते हैं, उनका डीएनए चेक नहीं कर सकते, वो आपको बैग आके झूठा पाड़ा फेंक के सोतर ले जाते हैं और फिर मुंह फेर लेते हैं, और ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम जानते नहीं। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जिसने भी बेईमानी का खाया, अपने गांव में, गुआंड में, शहर में और बाजार में देखे और उस पड़ोस में देखे, उसका जहाज बनाए पानी डूबेगा। ये बेईमानी का सौदा लंबा नहीं चलेगा। इस प्रदेश को रोकने वाला चाहे कोई भी हो, इस गरीब की बदवा देगा उसको मत छेड़, किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा। इस गरीब की बदवा लेके बैठेगी, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो बीजेपी सरकार, जो बीजेपी पार्टी सपना ले रही 2024 का, ये तो मिलता दिखाऊंगा आपकी बार। आपको भाइयों भरोसा और विश्वास देना चाहता हूँ, अच्छे आदमी को चुनो जिसको पीड़ा हो अपने समाज की, अपने भाइयों में से चुनो, छोड़ो पार्टी सार्टी में, अच्छे काबिल आदमी को भेजेंगे तो आपकी आवाज उठाएगा, वहां आपकी लड़ाई लड़ेगा। और ये सारे डुप्लीकेट जो पिछले दरवाजे जाते हैं, जो उस टाइम आज सुबह आते हैं, उस टाइम जरूर पहचान लेना। आपका कौन है चौधरी, छोटू राम ने भी कहा था,
दो चीज सीख ले बोले किसान, एक तो बोलना सीख ले अपने दुश्मन को पहचान ले। हमारे में से ही जो भाई समाज के साथ गद्दारी करता है, मैं तो कहता हूँ जो किसानों के साथ गद्दारी करता है, भाइयों को धोखा देकर राजनीति करता है, उसे गिरा हुआ आदमी मैं तो मानता नहीं। मान ले जाए, ये तो मौका मिलता है सेवा का, इसलिए सेवा करके इस कलियुग के अंदर द्वापर त्रेता सतयुग कलियुग समय समय पर कभी यज्ञ भवन, कभी यज्ञ, कभी भजन, कभी कीर्तन, कभी योग, कभी तपस्या से भगवान के दर्शन होते थे। ये तो त्यागी और तपस्या की धरती थी, यहाँ तो संत भगवान को प्राप्त करने का शोध का केंद्र था हरियाणा, यहाँ भ्रष्टाचारी खोटा करने वाले की जरूरत कहाँ थी। लेकिन इस कलियुग के अंदर एक ही रास्ता है, जीव मात्र की सेवा करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करिए हमारा देव होना चाहिए, बाकी बारह सदा झूठा है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, पूरे भाइयों से प्रार्थना, छत्तीस बरादरी के भाई सब एक जाति पाति में खत्म कर, एक ही रास्ता है। ये कोशिश करेंगे बार बार इसमें हवा डालने की। और जो दूसरे भाइयों को अनुरोध करना चाहता हूँ, जो भाई बैठे हैं मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं घरों में बैठे हैं, वो भी आ जाए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे पूछेंगे कि दादाजी 2020 और 21 के अंदर टोल प्लाजा पर जो आंदोलन हुआ था, क्या आप उसमें शामिल हुए थे? उस इतिहास के पन्नों में नाम लिख दिया। आप लोगों ने वो काम कर दिया जो किसी से नहीं हुआ। सरदार पटेल ने करा 650 रियासत एक काम करने का, किसान भाई ने क्या किया? जाति पाति मजहब धर्म, अगर सादा बॉर्डर पर जाएंगे तो मुसलमान भाई होटल चला रहे, हर बॉर्डर पर पंजाब के भाई होटल चला रहे, टीकरी बॉर्डर पर आपका खाप का होटल चल रहा है, जहाँ सब भाई 24 घंटा खाना चले। अगर सेवा सीखनी है तो सरदार भाइयों से सीखे, वहां जाके देखें, व्यवस्था देखें, और इस आंदोलन को चलाने में जितना नेतृत्व वो कर रहे हैं, सलूट करता हूँ भाइयों को भी। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, जो सरकार नहीं कर पाई, कोई नहीं कर पाया, वो आप लोगों ने करा, भाईचारे को मजहब धर्म को सबको खत्म करके इंसानियत का पाठ किसान भाइयों ने किया। दूसरा काम एक और कर दिया, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर राज कौन करेगा, इसका फैसला भी किसान भाई करने जा रहे हैं, आप करने जा रहे हैं, इतिहास लिखेंगे। इसलिए उस इतिहास के पन्नों अपना नाम दर्ज कराने का जो दूसरे भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, और जो नेतागिरी करना चाहता हूँ उनसे भी कहना रहे, भाइयों के साथ जीना, भाइयों से मरना, इसके साथ और कोई बात हो ही नहीं सकती। इसलिए तीन नारे अपनी आवाज मेरी माता बहनों से भी मैं सलूट करता हूँ, जिंदगी बहनों ने आपने इतिहास लिखने का जो काम करे हैं, तीन नारे लगाना, आपकी आवाज हर कोल बजाए, किसान एकता, किसान एकता, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।